26 पे 6 से सिचुएशन कहां पाकिस्तान ने पहुंचा दी, वहां पे पाकिस्तान फ्लैट हो गया। 12 रन की लीड जो अभी मिली है वो कहीं 120 रन की लीड लग रही थी पाकिस्तान को मिल जाएगी, मगर क्या हुआ, अनफिट भी हो गए। 26 for 6, मतलब ये कमाल है कि आप एक क्लब क्रिकेट की क्लब क्रिकेट खेली आपने, उतों क्या आगे पाते खेली कहां दिन 6 आउट कर दिए, ऊपर से नहीं हो गए आउट, अब क्या कर सकते हैं, अब जान लोगे बच्चों की क्या। अच्छा 6 आउट करके अगर टेस्ट मैच हार गए फिर क्या जान लेंगे आप? नहीं हम तो यूज्ड टू हैं, हम तो हार जाएंगे, अभी तो भूटान से भी मैच हो जाएगा हार जाएंगे, रोड पे आ गए, गरीब हो गए, गुरबा हो गए, रोड पे आ गए भाई। क्या पाकिस्तान की टीम है, आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो मुझे लगता है अपने आखिरी सफ़र के ऊपर रवाना हो रही है। जिस तरीके से पाकिस्तान की हॉकी तबाह हुई, इसी तरीके से अब पाकिस्तान की क्रिकेट भी तबाह होती जा रही है। 26 पे 6 आउट दुनिया को पता है, सबको पता है 26 पे 6 आउट कर लिए 11 ओवर में, ऐसा लग रहा था कि 75 भी नहीं बनेंगे। फिर बाद में लितन दास ने मारा ना, क्यों गुड खेला लितन दास, उसने बेइज्जत कर दिया है आपको, मैं माफी के साथ ये वर्ड बोल रहा हूँ, उसने पाकिस्तान की बॉलिंग को बेइज्जत कर दिया। जब भी आप देखें इंडिया में मैच होता है इंडिया को जीतने के लिए, वो 3 दिन में मैच खत्म, 2 दिन से हो जागे, इंडिया हमसे फार बहुत आगे है, वो उनका मुकाबला ही नहीं कर सर। T20 में हम तुक्के से जीते हैं 2021 का, 22 में हुआ एक, हम 10 गेंदों पे 31 स्कोर रह गया, कैसे नहीं हम जीत रहे थे। पाकिस्तान ऐसे लग रहा है कि बांग्लादेश से सीखे और सीखने की कोशिश करे, क्योंकि उसमें प्लानिंग भी बेहतर है बांग्लादेश की, उसकी एग्जीक्यूशन भी बेहतर है और टीम स्पिरिट बहुत अच्छी है। उसके बाद 26 पे 6 से जो यहां तक मैच ले गए हैं, इसका मतलब यही है कि पाकिस्तान को बहुत ज्यादा फ्रॉम टीम स्पिरिट पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम एग्जीक्यूशन, फ्रॉम स्किल लेवल जो है वो काम करना है, और बांग्लादेश ने यानी कि अजियत पहुंचाई हुई है इस सीरीज में पाकिस्तान को। हम लोग इंडिया का मुकाबला करते हैं, ओ भाई छोड़ दे, 4 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के मैच खेल चुके हैं, चारों के चार वो लोगों ने अपना नाम किया है, हम लोग ये 4 खेले हैं, चारों के चार हम लोग जलील हुए हैं। ये क्या पाकिस्तान की टीम है या कोई पाकिस्तान क्लब की टीम? बांग्लादेश तो क्रेडिट जाता है जिस तरह से लिटन दास ने, मेहदी हसन मिराज ने बैटिंग की है, सीरीज तो भी चली गई, क्रेडिट जाता है बांग्लादेश को जिस तरह से उन्होंने सीरीज खेली कमांडिंग। इस टीम के बारे में क्या कहा जाए, 26 पर 6 विकेटें गिरा के उसके बाद हम ऐसे रिलैक्स हुए, और ये कोई पहली बार हम ऐसे रिलैक्स नहीं हुए हैं। बांग्लादेश ने ना पाकिस्तान की ना बैटिंग और बॉलिंग का ना बहुत ही आला तरीके से जनाजा निकाल के रख दिया है यार। आप ये देखें कि हम लोग जब 26 के हम लोग बांग्लादेश के हम लोग 6 आउट कर रहे हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस पहले की थी, 26 पे हम लोग बांग्लादेश के 6 बैट्समैन आउट कर दिए, लेकिन एक हमारे से लिटन दास नहीं पकड़ा गया यार। पाकिस्तान भी बांग्लादेश के खिलाफ इतनी गंदी क्रिकेट खेल रही है कि वहाँ के लोग भी बोल रहे कि यार इनको बैन करो पाकिस्तान को टेस्ट क्रिकेट से। बांग्लादेश को पूरी तरह से हावी कर रखा है, पहले टेस्ट में भी और दूसरे टेस्ट में भी, जहाँ लग रहा था कि हाँ भाई आज पाकिस्तान का दिन है, पाकिस्तान ने कमबैक कर लिया भाई, उनके बॉलरों ने इतनी खुशी मनाई थी पाकिस्तान के लोगों ने, उसके बाद भाई बांग्लादेश ने जो बैटिंग करी है लिथुन दास और मेहंदी हसन मिराज ने, पाकिस्तान को खुश होने का मौका ही नहीं दिया, दिन खत्म होते होते वो खुशी भी छीन ली पाकिस्तान से। शान मसूद की इतनी गंदी कैप्टनसी, भाई साहब इतना ढीला कैप्टन है, लोग बोलते हैं कि भाई इससे एग्रेशन कैप्टन कोई नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में 3-0 से हारने के बावजूद भी इसकी तारीफ कर रहे थे, ऐसे तो इनकी सोच है पाकिस्तानियों की, ना बॉलर को सही से रोटेट करना, कुछ भी नहीं पता इसको कि क्या करना है। वहीं पे अब बांग्लादेश पूरी तरह से चढ़ी हुई है इस मैच में यार, सोचो 26 में 6 से 262 पुछवा दिए इन्होंने, वो भी ऐसे विकेट में जहां मदद मिल रही थी फेसरों को, एक बंदा खड़ा रहा लिथुन दास और इनके बॉलर को इतनी गंदी तरह मार लगा रहा था, वो भाई साहब 4 छक्के मारे उस बंदे ने, अच्छी स्ट्राइक रेट से रन बनाया 138 उनने, उसे पता था कि यहाँ पर आराम से खेलना बेकार ही है, इसलिए रन भी बनाना जरूरी है, और बड़ी तेजी से रन बनाया उसने और मैच में दोबारा लिया है बांग्लादेश को। अब बांग्लादेश ऊपर है पाकिस्तान से, हार का डर लग रहा है पाकिस्तान को, अगर ये टेस्ट मैच हार गई पाकिस्तान क्लीन स्वीप हो जाएगा पाकिस्तान का, और सबसे गंदी बेइज्जती होगी देखना पाकिस्तानी टीम की, फिर उसके बाद देखना कई प्लेयर बाहर होंगे, जैसा अभी शाहीन अफरीदी और नसीम शाह को कर रखा है वैसे बैट्समैन भी कई बाहर होंगे देखना, चले देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है। राशिद भाई मैं ठीक हूँ लेकिन कुछ ठीक नहीं भी हूँ, मैं बड़ा आज पछमान हुआ, परेशान हुआ, एक तो कप्तानी पाकिस्तान की बिल्कुल ही मेडियोकर थी, और क्लब लेवल का कप्तान भी जो होता है उसको भी एहसास होता है कि अगर टेल के साथ बैट्समैन खेल रहा है तो फील्ड कैसे घुमानी, ये जो हमने 9वीं विकेट पे जब 68 रन कराए हैं तो थ्रो हमसे हो नहीं रही थी, भागा हमसे जा नहीं रहा था, बुर्रो का गेंद पहुंचना मुश्किल हुआ था, ये क्या पाकिस्तान की टीम है या कोई पाकिस्तान क्लब की टीम? डॉक्टर सबसे पहले तो आज के जो मैच हुआ है 26 पे 6 आप बताना चाह रहे थे, बतानी थे कि 6 आउट कर दिए, इसके बाद क्या हुआ, उन्होंने बैटिंग अच्छी की या हमने बॉलिंग खराब की, फील्डिंग प्लेसिंग अच्छी नहीं थी। बांग्लादेश तो क्रेडिट जाता है जिस तरह से लिटन दास ने, मेहदी हसन मिराज ने बैटिंग की है, सीरीज तो भी चली गई, क्रेडिट जाता है बांग्लादेश को जिस तरह से उन्होंने सीरीज खेली कमांडिंग। जी डॉक्टर राशिद, मसला ये है कि जिसमें अभी आपने सारी बातें की,
कि एक तो मैं ये चीज देखूं कि लंच के बाद जब आए हैं तो 199 रन की लीड रहती थी, और अगर आप लिटन दास को देखें, उन्होंने खुरम शहजाद पे काउंटर अटैक किया, पहले ओवर में 2 चौके मारे, फिर उसके अगले ओवर में 3 मारे और 6 ओवर में 40 कर दिया इन्होंने, तो वो माइंडसेट अपना बदल के आए थे कि हमने ऑन द अटैक जाना है। एक दूसरा वही वाली बात, वो जो क्रिकेट ये खेल रहे हैं ना, ये ड्रेसिंग रूम से बना के नहीं लेके आ रहे, अच्छा ये पिच के ऊपर, टेस्ट क्रिकेट पिच के ऊपर है, वहां से बना के लेके आ रहे हो, हम बना के लेके आ रहे हैं, ये करेंगे हम। ओके, वो उन्होंने जैसे बुरी बॉल की उन्होंने उसके पनिश किया कर दिया। कभी कभार टेस्ट क्रिकेट में, देखो टेस्ट क्रिकेट में टेस्ट है आपका, मेंटली टेस्ट है आपका, स्किल्स का टेस्ट है, हर चीज का टेस्ट हो रहा है ना आपका, आप टेस्ट में फेल हो रहे हो। 26 for 6 मतलब ये कमाल है कि आप एक क्लब क्रिकेट की, क्लब क्रिकेट खेली आपने, उतों के आगे टाते खेली, कहां थे 6 आउट कर दिए, ऊपर से नहीं हुए आउट, अब क्या कर सकते हैं आप, जान लोगे बच्चों की क्या। अच्छा 6 आउट करके अगर टेस्ट में जा रहे फिर क्या जान लेंगे आप। नहीं हम तो यूज्ड टू है, हम तो हार जाएंगे, अभी तो भूटान से भी मैच हो जाएगा, हार जाएंगे, रोड पे आ गए, गरीब हो गए, गुरबा हो गए, रोड पे आ गए भाई। ये अब आपने बात की है दुखाने वाली बात। इस टीम के बारे में क्या कहा जाए, 26 पर 6 विकेटें गिरा के उसके बाद हम ऐसे रिलैक्स हुए, और ये कोई पहली बार हम ऐसे रिलैक्स नहीं हुए हैं, हमारा ये रिकॉर्ड रहा है कि जब भी कभी कोई भी मैच हमारी गिरफ्त में आता है तो उसके बाद हम, हमारे या तो हम खुशी से पागल हो जाते हैं या हमारे हाथ पांव फूल जाते हैं, जिससे पाकिस्तान की टीम उस मकाम तक पहुंच जाती है कि सामने वाली टीम भी परेशान होती होगी कि यार ये क्या टीम है। अच्छा खासा मैच अपने हक में करके, अच्छा खासा मैच अपने कंट्रोल में ला के, उसके बाद मैच को बिगाड़ना, मैच को अपने हाथ से निकाल देना, ये कोई हमसे ही पूछे। दुनिया भर के अंदर और भी हम टीमों को देखते हैं, टीमें तो मुश्किल हालात के अंदर कम बैक करती हैं, और आज बांग्लादेश ने कम बैक करके हमें हमारी औकात याद दिला दी है जो पहले टेस्ट मैच में थी। हम शायद 6 विकेटें 26 पे गिरने के बाद कुछ ज़्यादा ही खुश हो रहे थे, तो बांग्लादेश ने बेसिकली हमें हमारी औकात याद दिलाई है कि भाई आपकी औकात यह है कि आप लोग नहीं टेस्ट मैच जीत सकते हैं। अब जो इस वक्त का सिनारियो है, 2 विकेटें हमने गिरा दी हैं, एक तो मुझे वो साइंसदान ढूंढ के लाना है जिस साइंसदान ने नाइट वॉचमैन भेजा। आज के मॉडर्न डे क्रिकेट के दौर में भी हम नाइट वॉचमैन के ऊपर इनसार करते हैं, तुम क्या क्रिकेट खेलते हो, क्या हमने कागजी स्टार, जाली स्टार हमने रखे हुए हैं कि आप आखिरी 3 गेंदें नाइट वॉचमैन को दे रहे हो, डे खत्म हो रहा है, आपने कभी ऑस्ट्रेलिया की, कभी इंग्लैंड की, कभी इंडिया की, कभी न्यूजीलैंड की, कभी साउथ अफ्रीका की टेस्ट क्रिकेट नहीं देखी है। 26 पे 6 से सिचुएशन कहां पाकिस्तान ने पहुंचा दी, वहां पे पाकिस्तान फ्लैट हो गया। 12 रन की लीड जो अभी मिली है वो कहीं 120 रन की लीड लग रही थी पाकिस्तान को मिल जाएगी, मगर क्या हुआ, अनफिट भी हो गए। सो पाकिस्तान की ये जो बॉलिंग अटैक, जो अब इसको मीडियोकर बहुत सारे लोग बॉलिंग अटैक कह रहे हैं और रिजल्ट्स बता रहे हैं कि मीडियोकर बॉलिंग अटैक हो गई है, तो ओवरऑल मैं समझता हूं कि पाकिस्तान ने ये मैच अपने लिए मुश्किल बना दिया। बांग्लादेश की जो 7वीं 8वीं 9वीं विकेट की परफॉर्मेंस थी वो, उसमें कामनेस थी, उसमें कॉमन सेंस थी, वो टेल के साथ भी खेले लिटन दास और क्या कमाल की इनिंग्स खेले, देखा टेम्परमेंटली रॉक सॉलिड थे। और मुझे समझ नहीं आती है कि बांग्लादेश उनको 7 नंबर पे क्यों खिलाता है, क्योंकि उनके पास हुक और पुल शॉट है, उनका डिफेंस बहुत अच्छा है, स्पिन को अच्छा रीड कर रहे थे अबरार को, और फिर उसके बाद फास्ट बॉलिंग को ठीक खेलते हैं, मगर पैनिक नहीं किया। 26 पे 6 पे क्या होता है, आपकी मेंटेलिटी चैलेंज होती है एज अ बैटर, एज अ टीम। बट क्योंकि पिछला मैच एक तो बांग्लादेश जीता हुआ था, एक सेल्फ बिलीव था, दूसरा जैसी कंडीशंस जो है वो सबसाइड हुई, वो अच्छी हुई बैटिंग के लिए, तो लिटन दास और मिराज ने जो है उसका भरपूर फायदा उठाया और बहुत ही सलीके के साथ पार्टनरशिप लगाई, शायद वर्ल्ड रिकॉर्ड कर गए हैं कि 6 विकेटें गिरी हो लेस देन 50, उसके बाद 150+ की पार्टनरशिप पहली दफा क्रिकेट की हिस्ट्री में लगी। सो इससे पता ये चलता है कि बांग्लादेश कितने कीन है कि ये सीरीज को 2-0 से जीते हैं, या ये जो लीड इन्होंने ली हुई है 1-0 की इसको जाने ना दें। सो हर कोई फाइट कर रहा है और इसी वजह से यहां तक कहानी चली है। पाकिस्तान के पास अब कोई और ऑप्शन नहीं है वहां से, आए कि वहां जाएं और कम से कम जो है 170 रन किसी ना किसी तरह से करें, और लास्ट में फिर देखें बांग्लादेश क्या वो प्रेशर में बिल्ड हो जाता है या 2-0 से ये सीरीज ले जाते हैं। पाकिस्तान ऐसे लग रहा है कि बांग्लादेश से सीखे और सीखने की कोशिश करें, क्योंकि उसमें प्लानिंग भी बेहतर है बांग्लादेश की, उसकी एग्जीक्यूशन भी बेहतर है और टीम स्पिरिट बहुत अच्छी है। उसके बाद 26 पे 6 से जो यहां तक मैच ले गए हैं, इसका मतलब यही है कि पाकिस्तान को बहुत ज्यादा फ्रॉम टीम स्पिरिट पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम एग्जीक्यूशन, फ्रॉम स्किल लेवल जो है वो काम करना है, और बांग्लादेश ने यानी कि अजियत पहुंचाई हुई है इस सीरीज में पाकिस्तान को। 26 पे 6 आउट दुनिया को पता है, सबको पता है 26 पे 6 आउट कर लिए 11 ओवर में, ऐसा लग रहा था कि 75 भी नहीं बनेंगे। पहला घंटा पाकिस्तान ने डोमिनेट करा, बाकी
बांग्लादेश ने डोमिनेट करा। लिथन दास और मेहंदी मेराज, मेहंदी हसन मेराज, उन्होंने अपने हाथ खोले, लिथन दास ने नहीं खोले, मेहंदी ने हाथ खोले और रन्स बनाना शुरू करे। बता दिया उन्होंने कि बिलीव इसको बोलते हैं, गुड मैनेजमेंट इसको बोलते हैं। जब 6 आउट हुए तो सब नजर आ रहे थे मेंढक की तरह उछल उछल के, टीवी पे भी और इधर भी बॉलर्स को बताना, अरे क्या खाक बताया आपने, आपने तो पूरा मैच ही खत्म कर दिया वो पार्टनरशिप करा के। और सोने पे सुहागा, मुझे ये तो बताओ यार आपके किसी बॉलर की पेस 145 प्लस है? किसी की नहीं है। लिथन दास अच्छा खेला क्योंकि वो परफेक्ट बैट्समैन है। मेहंदी हसन ने तो काउंटर अटैक करा, उसने लिथन के साथ परफॉर्म पार्टनरशिप कराई और लिथन ने फिर वो कैश करा अपने आप को। फिर बाद में लिथन दास ने मारा ना, क्यों गुड खेला लिथन दास, उसने बेइज्जत कर दिया है आपको। मैं माफी के साथ ये वर्ड बोल रहा हूँ, उसने पाकिस्तान की बॉलिंग को बेइज्जत कर दिया। पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा, ये तो अभी बांग्लादेश है भाई, जितने पहले मैच में भी और इस वाले मैच में 4 शाने चित कर दिया, तकलीफ हो रही है। जीता हुआ मैच आपने उनके हाथ में दे दिया, 26-6 उनके आउट थे या पाकिस्तान के आउट थे? थर्ड क्लास कैप्टनसी, स्कूल लेवल, स्कूल का बच्चा भी अच्छी कप्तानी करे यार, उसको जो मैसेज दिया जाएगा उस पे तो वो कर लेगा। लेकिन लिथन दास और मेहंदी ने पाकिस्तान की बॉलिंग के परखच्चे उड़ा दिए और जो इनकी सोच थी ना, बताया कि 6 आउट होने के बाद भी बांग्लादेश में इतना दम है, 165 की पार्टनरशिप और 69 की पार्टनरशिप कर सकते हैं, कुछ सीख लो इनसे, बस इतना कहूंगा। कप्तानी नहीं आती तो शांतु के पास चले जाओ, उससे पूछो किस तरह कप्तानी कर।